press the bell icon for no. Thank you so much.
Are you going voice modulation exercise? जी थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, बस ये यही कर रही है. तो लेट्स सी. और मैं नताशा बनना चाहती थी, नहीं नताशा नहीं बनना चाहती थी, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी. और मैं अभी नताशा को जी रही हूँ, फिर उन्होंने दिया नताशा. और मैं जब भी सेट में जाती हूँ मैं उसको जीती हूँ, खुल के जीती हूँ, उसके सारे इमोशन को फील करती हूँ और फिर घर जाके काफी टाइम से लोग बोर हो गए, मतलब पता नहीं लोग बोर हो गए हैं जो भी हुआ, मतलब मैं लिटरली बोर हो गया बिकॉज सुपर नेचुरल शोज काफी आ गए हैं हमारे टेलीविजन में. सास बहू ड्रामा तो हमेशा से चलता हुआ आ रहा है, जो चलता रहेगा पता नहीं कब तक, वो अपनी जगह है. लेकिन जो हमारा शो है बहुत ही फ्रेश कॉन्सेप्ट है, बहुत अलग किरदार है शो में, बहुत अलग कैरेक्टर्स है, फ्रेश चेहरे तीनों और 100% हम तीनों अपनी है. आप कहीं ना कहीं हमसे अपनी लाइफ से आप बोले 100%. आपने अभी कहा था कि अगर पसंद ना आए तो चैनल चेंज कर दीजिए, आपके ऊपर, क्योंकि मैंने भी चैनल चेंज किए हुए हैं, मुझे जो नहीं पसंद आता है. लेकिन वी आर 100% श्योर, 1000% श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं कि आप कनेक्ट करोगे. सो प्लीज़ प्लीज़ गाइज, आस्क योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मम्मा पापा, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, सबको बोलो हमारा शो देखे, बहुत अच्छा शो है. इस शो की सबसे खास बात क्या होने वाली है? इस शो की सबसे खास बात ये होने वाली है, बहुत ही न्यू है. सो बेसिकली जिसकी जो कास्टिंग है वो पूरी फ्रेश है, नए चेहरे हैं, काफ़ी टाइम बाद नए चेहरे हैं. आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरत खूबसूरत मैं तो बनी हुई है, देवियाँ हैं इस शो के लिए. तो और कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है, बहुत नया है. अब आप जैसे जैसे हमारा शो देखेंगे धीरे धीरे आप एडिक्टिव होंगे. तो बड़ा मजा आएगा. भी जो किरदार है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे हैं, तो उनको भी देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा. किरदार की बात थोड़ा सा पाखी जो है वो बहुत ही बबली सी लड़की है, बहुत बबली है. एंड बहुत बबली है पाखी. एंड उसके ऊपर जैसे एक कम एज पे जो उसके ऊपर फैमिली की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई है, तो कैसे वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है, तो वो पूरी जर्नी आपको देखने मिलेगी. बाकी का स्ट्रगल कैसे उसने अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को चलाने के लिए वो क्या क्या करती है और कितनी सारी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती है. सो बेसिकली ये जो शो है, ये शो एक नॉर्मल सास बहू किचन का स्ट्रगल नहीं है, ये शो असल जिंदगी के स्ट्रगल दिखाएगा, जिसमें एक हीरोइन का स्ट्रगल है उसकी ग्लैमरस दुनिया में क्या है, एक लड़का है जो फोटोग्राफर है उसकी ज़िंदगी का स्ट्रगल, और एक पाखी है जो जिसके फादर नहीं है लेकिन अपनी माँ को खुद को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती है, उसका स्ट्रगल उस लड़की का. तो बहुत डिफरेंट स्ट्रगल है, बहुत लेयर्स हैं. एक हीरोइन है, एक नॉर्मल कहानी है पाखी की, लड़की की, एक लड़का है जो फोटोग्राफर बनना चाहता है. तो काफ़ी लेयर्स हैं शो में जो धीरे 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 वक्त के साथ साथ ये लेस खुलेंगी, जिनको देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है. कैरेक्टर जो है वो नताशा एक एक्ट्रेस है और उसे गुस्सा बहुत आता है, उसकी आवाज़ थोड़ी खुला, तो उसे आवाज़ की तलाश होती है और यही है स्टोरी की डिमांड है ये. और मैं बस नताशा को इन्जॉय कर रही हूँ, मतलब उसको उसके इमोशंस को देख रही हूँ कि एक एक्ट्रेस बनने के बाद भी वॉट ऑन चिकन फी, उसकी स्टोरी क्या है, अगर वो गुस्सा कर रही है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे बिहाइंड देयर इज़ अ रीज़न. तो आप अगर नताशा को देखोगे कि ये तो पहले देखोगे कि वो बहुत ही गुस्से वाली लड़की है, पर फिर बाद में पता चलेगा कि वो क्यों है, इतना गुस्सा क्यों है. तो जैसे जैसे आप देखते जाओगे उसके अलग अलग इमोशंस भी आपको दिखेंगे. और स्टोरी बहुत अच्छी है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है शूट करने के लिए, क्योंकि रात को 2 बजे भी बैकअप होने के बाद मैं सुबह 5 बजे भी मैं कॉल टाइम आधे घंटे पहले ज़रूर देखना बनता है. आप एक बार देखेंगे 100%, आप जब तक शो नहीं छोड़ेंगे जब तक 5 साल तक. नॉट इट ऑल लाइक अ
एनी अदर शो के एक ही जैसा दिख रहा, हमारा अलग अलग कैरेक्टर है, अलग अलग ड्रेसिंग है, आप देख सकते हो इसका ड्रेस पूरा बिल्कुल भी अलग है और इसका भी पूरा अलग है, मेरा अलग है, देयर इज़ लॉट ऑफ अदर कैरेक्टर जिनके ड्रेस और उनका मेकअप है, उनका लुक, एवरी वन लुक इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन। स्ट्रगल की बात करें तो इंडस्ट्री में काफ़ी स्ट्रगल्स होते हैं, कोई एक मेमोरी स्ट्रगल्स की जो सभी सभी के लाइफ में आई होगी? नॉर्मल मैडम थोड़ा सा बस, जैसे कि मैंने बताया कि इंडस्ट्री में कोई था नहीं, मैं अपनी मम्मी के साथ आई थी, पीजी में शिफ्ट हुई एंड मुझे सेटल करके वन वीक वहाँ पे रही थी और फिर चली गई। उसके बाद मैंने ही प्रोडक्शन हाउस जाती थी, ऑडिशन देने के लिए पता करती थी, तो कुछ महीनों तक सिर्फ ऐसा ही चलता रहा, ओनली ऑडिशन प्रोडक्शन सिलेक्शन, कभी लगा कि शायद कुछ होगा नहीं होगा पता नहीं, बट यस धीरे धीरे ऑटोमेटिक चीज़ें होने लगी, शोज मिलने लगे, काम होने लगे एंड अपने आप में सब कुछ अच्छा अच्छा। रही बात स्ट्रगलिंग की, स्ट्रगलिंग स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में होता है, आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई का स्ट्रगल हो रहा है, कुछ करियर पर्सन कर रहे हैं, एक्टर, डॉक्टर, जो भी, सबकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहता है, मेरी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहा है, बट आई वुड से कि मुंबई हैज़ बीन एक्स्ट्रा काइंड टू, मतलब मेहनत की है लेकिन उस मेहनत ने काफ़ी मजबूत बनाया जो आज मैं यहाँ तक आया हूँ, तो स्ट्रगल की कम बात करूँगा, अचीवमेंट से स्ट्रगल की बात अगर मैं करूँ तो मूवी के लिए ट्राई कर रही थी एंड मैंने बहुत स्ट्रगल की और मैं इस कैटलॉग के साथ भी कर रही थी एंड मुझे बहुत सारे रिजेक्शन मिले हैं कि मूवी मिलना इट्स नॉट दैट इजी एंड माय मॉम ऑलवेज वांटेड मी टू सी इट एंड जब मम्मी बोलती है कि आप सीरियल करो या कुछ भी करो तो हमें नहीं पसंद आता है My mom expired with second January this year and I was very upset and she always wanted me to see her and after that only I decided to pick up and this is my first audition I gave and I selected and main jaisa cha rahi thi ki main like media ko reach karu and you know log photographs click kare aisa mere हमेशा से ड्रीम रहा है कि ऐसा हो एंड ये सब हो रहा है बट जस्ट उसके लग रहा कि वो बहुत अच्छा होगा कि वो देख पाती है हमारी शो की लग देखना नंबर वन शो फैंस फैंस प्लीज बहुत सी बेब को देखें हमारी बहू सीट में 3 जून से 5:30 बजे प्लीज़ ऑल योर लव एंड सपोर्ट स्प्रेड द वर्ड कि हमारा शो हमारी बहुत सिंह से दिन के रात 10:30 बजे मंडे टू फ्राइडे चलने वाला है प्लीज और पार्टी को लेकर कहा जा रहा है कि उनका क्वेश्चन है कि करियर चॉइस है तो क्या आप ऐसे कोई इंसिडेंट से इंस्पायर हुए जहाँ पर आपको लग रहा हो कि जो वॉइस आर्टिस्ट है उनके करियर को लेकर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं या उनके करियर को लोग सराहना नहीं देते या कुछ क्वेश्चन से उनकी करियर वॉइस ये स्पेसिफिकली वॉइस को लेकर ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं है बट एक है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि लोग क्या कहेंगे दिस इज अ वेरी वेरी एवरी बगल वाला सब होगा बाजू क्या कहेंगे माँ क्या कहेंगी दादी क्या कहेंगी जो क्वेश्चनेबल करियर चॉइसेस होते हैं स्पेशली फेस बाय वुमेन दे आर ऑलवेज फेस बाय दिस क्वेश्चन every time that what is the themselves question themselves also ki baat wala kya kahega mera husband kya kahega mere in laws kya kahenge meri family kya kahegi meri neighbors kya kahenge this is a constant fight which lot of women many a times face in these questionable career choices so what is a respectable job or what is not a respectable job ye कैरेक्टर नहीं डिफाइन करता आपका करियर या आपका जॉब आपका कैरेक्टर डिफाइन नहीं करता इस पे बेस्ड इट वॉज ओनली अबाउट डबिंग आर्टिस्ट ओनली अबाउट स्पेसिफिक करियर इट वॉज ऑल अबाउट चॉइसेस वुमेन हैव टू मेक एंड आस्क देमसेल्फ दिस क्वेश्चन इज दैट वो क्या है कहीं ना कहीं करियर अपने क्षेत्र में करने वाली महिलाएं भी ये सोचती है कि मैं इस क्षेत्र में करियर करूँ क्योंकि आप अभिनय से जुड़ गए तो क्या आप अपने पर्सनल जिंदगी में कभी आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आई थी कि इस बात को लेकर आपका तनाव था कि लोग क्या कहेंगे एज आई हैव जॉइंड एक्टिंग फिल्म हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है लेकिन एक्चुअली
मैं एक्ट्रेस बनूँ ये मेरा ड्रीम नहीं था, ये मेरी मम्मी का ड्रीम था. एंड मम्मी ने ही सोचा कि इसको, क्योंकि मैं गाँव से मैं था, मैं भी दमो बहुत छोटे गाँव से, तो मम्मी के साथ ही मैं आई थी बॉम्बे. तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई पी जी करने की तरह. तो मेरे भी पापा नहीं, 2009 में एक्सीडेंट हो के रहते, तो मेरे पापा के जाने के बाद भी लोगों ने ऐसा बोला कि आप इसको बॉम्बे बाद भेजो, हमारा कोई है नहीं दूर दूर तक बॉम्बे में बैठ सके, तो कौन देखेगा इसको, इतना माया लगती है, हम तो गाँव से हैं, कोई गया नहीं है, तो बहुत बड़ा रिस्क है, तो प्लीज़ मत भेजो. नेबर्स ने बोला, सारे रिलेटिव्स ने बोला, मम्मी के फ्रेंड्स ने बोला, सब लोगों ने बोला कि प्लीज़ 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 मत भेजो आप उसको, क्योंकि कोई है नहीं देखने वाला, आप अपने लिए बस डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, कोई जॉब कर ले, ऐसे सीरियस हो जाए. बट मेरी मम्मी ने हार नहीं मानी, ऐसा नहीं सोचा कि नहीं ये लड़की है या इसके पापा नहीं हैं तो मैं इसको नहीं भेजूँ, स्टॉप कर देती हूँ इसको कर देती. मम्मी ने जो सोचा था वही किया और मुझे भेजा, इतना सपोर्ट किया मम्मी ने. तो जो भी बातें सुनी वो मेरी माँ ने सुनी, लोगों ने माँ को सुनाई, और जब मैं वहाँ पर आई तो मैंने भी स्ट्रगल किया और मम्मी का ड्रीम मेरा ड्रीम बन गया. और आज थिएटर तो एक अपनी जगह पे है, मैंने बहुत कुछ पाया है थिएटर से, मेरा एक लार्जर ऑडियंस है जिसने मुझे बहुत 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 प्यार दिया है. गवर्नमेंट ने भी मुझे बहुत अवार्ड से नवाजा है, संगीत नाटक अवार्ड है, गौरव पुरस्कार, हर जगह से थिएटर में सब कुछ मिला है. लेकिन ये जो छोटा पर्दा है, स्क्रीन है जो किचन तक पहुँचता है, हर आर्टिस्ट चाहता है कि बड़े स्क्रीन में तो जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन छोटा स्क्रीन भी कुछ कम नहीं है. तो मेरी शुरुआत किचलिया से हुई और मैंने शुरुआत की, और उस जमाने में तो 13 एपिसोड बनते थे और हमें इतने अच्छे कैरेक्टर्स मिलते थे. अभी एक बात है कि हम लोग रोज काम करते हैं, रोज काम करते हैं, और अगर तकदीर से फिर बाप बहू हो या हमारी बहू से तो तकदीर से मिल जाते हैं, तो ऐसे कैरेक्टर करने में भी मजा आता है. बात तो हर बार बनी है लेकिन हर बार मेरा किरदार अलग अलग होता है. तो मुझे छोटा पर्दा इसलिए अच्छा लगता है कि बहुत पॉपुलरिटी मिलती है और सच बात कहूँ तो पैसा भी अच्छा मिलता है. मैं सच कहूँ आज की जो जनरेशन के साथ जब आप काम करती है तो किस तरह का चैलेंज होता है आपके सामने? आजकल का जनरेशन पहले तो बहुत पढ़ा लिखा और तैयार होकर आता है, यानी मुझे उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट. मैं जो मेहनत देती हूँ आजकल के लड़कों में या लड़कियों में, वो हम लोग पहले इतना नहीं देखते थे, हालांकि मैं बहुत मेहनत करती थी जब छोटी थी. लेकिन अभी कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि वो लोग तैयार होकर ही आते हैं, मेंटली भी फिजिकली. तो आजकल ये एक फैशन है कि पहले तो खूबसूरती चाहिए, बॉडी चाहिए, फिगर चाहिए, फिजिक चाहिए, तो वो तो ज़रूरी चीज़ है. लेकिन एक्टिंग में भी, अभी जैसे मैंने मेरी टीम की बात करूँ, मैं आज ही आखिर से बात कर रही थी कि पूरा यूनिट मैंने 2 या 3 दिन ही शूटिंग किया है, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई जब मैं परफॉर्म करती थी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई. हालांकि मेरा और इसका सीन, बाकी का और इसका सीन, कभी कभी अगर मुझे तकलीफ होती थी तो मेरे ही डायलॉग में होती थी, लेकिन वो लोग ऑफ कैच. तो मुझे ये यंगर जनरेशन में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, और अब मुझे वो लोग को संभालना पड़ेगा, यानी तुम लोगों को मुझे संभालना पड़ेगा. ये भुट्टा मासे ने पार्टी है.